जुड़ा मैं उससे टू प्रेजेंट इट बिकॉज ऑफ कोर्स मेरे रिलेशन सारे गामा के साथ यू नो माय एक्सपीरियंस डूइंग हंटर विद देम हैज बीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी. तो एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप है और सेलिब्रेटिंग द 80s एंड द 90s सेलिब्रेटिंग मिथुन दा एंड यू नो बप्पी दा लेजेंडरी. बॉलीवुड ने बहुत कुछ दिया है दुनिया को और ख़ास करके वो जो कनेक्ट इंटरनेशनली इंडियंस जो NRIs बाहर रहे हैं वो अगर दोबारा देश आए यू नो ऑफकोर्स अपॉर्चुनिटीज बहुत है लेकिन साथ साथ म्यूज़िक के वजह से. तो म्यूज़िक ने जोड़ा हुआ है हम सबको और यही सेलिब्रेट करने के लिए और रिस्पेक्ट देने के लिए क्योंकि मैं भी बड़ा हुआ हूँ उसी म्यूज़िक पर और इन्हीं हीरोज़ को देख कर. आई थिंक नॉस्टैल्जिक था तो आई डेफिनेटली सेट फ्रॉम NFTC मेरी कंपनी और मेरी तरफ से कि हाँ मैं जुड़ूँगा क्योंकि ये रियल म्यूज़िकल एक्सपीरियंस का मौका कभी मिला नहीं है लोगों को. ये देखने जैसे ब्रॉडवे जो होता है म्यूज़िक हमारे से शुरू हुई है हिंदी फिल्मों से शुरू हुई है और न के बाहर से यू नो अब लोग जाके ये जानने लग गए कि हाँ यार म्यूज़िक अगर फिल्मों में हो तो कितना अच्छा है. पहले तो मजाक उड़ाया करते थे हमारा तो दौर बदल चुका है और यही हम याद दिला रहे हैं. और ये डिस्को डांसर विल बी वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ इट्स म्यूज़िकल. उसके बाद बहुत सारे प्लान्स है सारे गामा के साथ साथ यंग बच्चों को मौका मिलता है सिंगर्स डांसर्स स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए. तो आई थिंक ये प्लेटफॉर्म उनके लिए भी है जैसे अच्छे अच्छे शोज़ आज इंडियन आइडल हो या इंडियाज गॉट टैलेंट हो यंग बच्चों को मौका देता है. आई थिंक सिंगर्स एंड डांसर्स परफॉर्मर्स साथ में सारे गामा और हम कोशिश करेंगे कि उन्हें यू नो मौका दें. क्या आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू उन यंग बच्चों को मौका मिलेगा जी? कुछ पूछे आप? हाँ हाँ क्या पूछे? कुछ पूछे? मौका मिलेगा या 100%. देखो आप हंस रहे हो खुश हो ना यू लाइक व्हाट आई डिड ना तो काटना मत यार. ये बहुत बड़ी खबर है. मैं तो मुझे इतनी खुशी हो रही है बिकॉज वेन वी फिनिश्ड डिस्को डांसर जब हमने पूरा किया था इसका ये म्यूज़िकल तो ये UK में रिलीज़ हुआ था लंदन में और इतना कामयाब हुआ ये लंदन में कि इसको मतलब इंडिया में ले आना और यहाँ पे रिलीज़ करना हमको बहुत बड़े लेवल पर करना था बिकॉज एक तो मिथुन दा बप्पी दा बी सुभाष और साथ ही साथ सारेगामा और साथ ही साथ हमारे कमाल के डायरेक्टर राजीव गोस्वामी इरफान सिद्दीकी एंड सलीम सुलेमान को ये री इमेजिन करना था बप्पीदा का लेजेंडरी म्यूज़िक. तो ये लंदन के लिए तो बहुत ही कमाल था ही लेकिन हमारी धरती में हमारे शहर में हमारे देश में जब तक नहीं होता तो इट वाज गोइंग टू बी वेरी इनकम्प्लीट. और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि अप्रैल 14th को NSCI में जो एक कमाल का वेन्यू है आप एक्चुअली 80s की दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे. तो सारेगामा एंड ग्रेविटी जीरो आर ब्रिंगिंग डिस्को डांसर लाइव म्यूज़िकल टू मुंबई. और ये मैं सबके लिए कहूँगा कि ये हम भी आज ये इतना इसको जिए हैं लेकिन जब भी देखते हैं हम खुद 80s में चले जाते हैं. आई एम अ डिस्को डांसर याद आ रहा है तेरा प्यार अव्वा अव्वा जिमी जिमी मुंबई से आया मेरा दोस्त गोरो की नकालों की क्या क्या गाने वाले एक फिल्म में आप सोचिए 1980s में तब भी ये 100 करोड़ की पिक्चर हुई थी. तो सोच लीजिए कि कितना कमाल है जलवा है इस फिल्म का. बप्पीदा का इसमें म्यूजिक था आपने पूरा किया है दोबारा इसको कैसा इसे है? इसे री इमेजिन किया है और बहुत अच्छा म्यूजिक था उसे हमने इस शो के शो को फिट करने के लिए जिस तरीके से करना था उसे हमने री इमेजिन किया है. और इसमें दो ओरिजिनल गाने भी हैं दो ओरिजिनल गाने भी हैं और गाने पहले से ही सुपर हिट थे हमने सिर्फ उसके ऊपर थोड़ा सा चार चांद लगाने की कोशिश की है. तो आप जाके देखिए अगस्त 14 से ये NSCI डोम में होगा अरे बहुत कमाल है लाइव सिंगिंग लाइव सब डांसिंग और कोरियोग्राफी डायलॉग्स और ये पूरी जो फिल्म थी ना फिल्म का हर स्क्रीन प्ले किस तरह से हमने उसको पर्दे पर थिएटर में ले आए हम उसको ये आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज एक तो ये लेजेंडरी फिल्म है इसका म्यूज़िक इसके स्क्रीन प्ले मिथुन दा की एक्टिंग डांसिंग
और इसको हमने किस तरह से बना के स्टेज पर लाइव शो प्रस्तुत किया है, ये एक बहुत ही अपने आप में राजीव गोस्वामी का बहुत बड़ा इसमें ये है योगदान है। वो डायरेक्टर है इस प्रोजेक्ट के, और जिस तरह से आप इसको एंजॉय करेंगे मतलब याद रखेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स सब लोग आ रहे हैं, सुनील शेट्टी जी मुझे लगता है सबको ले आएंगे। हाँ प्रेजेंट कर रहे हैं, हम एक बहुत मिस करेंगे बप्पी लहरी जी को। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि उनके होते हुए अगर ये हो जाता तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी एक दिल की एक तमन्ना थी वो पूरी हो जाती, क्योंकि ये कोविड आ गया था इस वजह से, वरना ये 2019 में रिलीज़ होने वाला था, लेकिन कोविड के आने के बाद बहुत सारे बदलाव, ये शो रुक गया था, लेकिन चलो कोई नहीं, वो नहीं रहे, लेकिन उनका म्यूज़िक तो आज भी हमारे आज भी ज़िंदा है और वो हम उसको जिएंगे। आप दोनों साथ में हो और अगर गाना अगर थोड़ा अगर गुनगुनाएं ऑडियंस। याद आ रहा है तेरा प्यार, ये गाना बप्पी लहरी जी को डेडिकेटेड है। कहाँ हम कहाँ तुम, हुए तुम कहाँ गुम, आ भी जा एक बार, हो याद आ रहा है तेरा प्यार। हमको तो पता ही नहीं चला क्या बदतमीजी हुई, लेकिन मैं ये कहूँगा कि देखिए कॉन्सर्ट्स में जहाँ लोग बहुत ज्यादा इकट्ठे होते हैं, कुछ तकरीबन 13,000-14,000 लोग आए थे उस शो में, तो कहीं ना कुछ तो होता ही है, और कुछ ना होगा तो कैसे होगा कुछ। मैं क्या कहूँ, मुझे एक्चुअली घटना क्या हुई पता ही नहीं है, तो अगर पता होती तो मैं आपको जरूर बता। थैंक यू।